सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। फिर उसी अंदाज में हमेशा की तरह आप सभी के समक्ष लाइव हूं, और मुझे नहीं पता आज के बाद आप सभी को मुझे फेसबुक लाइव देखने का मौका कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, ये मुझे नहीं पता। आशा करता हूं आप सभी मुझे लाइव देखेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन अब की बात समय लग सकता है। मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी पीड़ा है और ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं समझता हूं, और समझता ही नहीं ये मानता हूं कि यू आर ऑल माई फैमिली। मेरा ये अधिकार है कि मैं बात आपके समक्ष करूं, आपके सामने करूं, कोई भी बात होती है तो उसी विषय पर मैं लाइव हूं। हमारी उदासीनता, हमारी निष्क्रियता इतिहास से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से। मेरा किसी पर आरोप नहीं है किसी भी तरीके का, ये मैं अपने लाइव में स्पष्ट कर दूं, लेकिन जो पीड़ा है वो जरूर मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं, और मैं जबरदस्ती भी रखूंगा। आप नहीं मानेंगे तब भी रखूंगा, तब भी आपको मैं पकड़ूंगा, बोलूंगा नहीं भाई क्यों नहीं बोले तुम लोग, नाराजगी नहीं। और ये मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सभी के लिए बोलते थे मुझे, मैं आज अपनी बात इसलिए रख रहा हूं। देखिए, आप सभी को पता है कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई मामला हो, आपका इतना विश्वास है और आप ये समझते हैं कि उपदेश राणा हमारा भाई है और वो इस आवाज को उठाएगा, बनेगा हमारी आवाज, चाहे कहीं का भी मामला हो, कहीं का भी। और यहां तक कि उस मामले में बोलने में मुझे देरी हो जाती थी ना, तो लोग मुझे मैसेंजर, कॉल, व्हाट्सअप सब करते थे कि उपदेश ने कुछ नहीं बोला, उपदेश राणा की आवाज नहीं आई, उपदेश राणा ने कुछ बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोला। नाराजगी नहीं थी वो आपकी, वो आपका प्यार था, लेकिन मैं भी उसी प्यार की आपसे जो है उम्मीद करता हूं। देखिए हुआ क्या है, आप सभी को पता है जब से दिल्ली राइट्स हुए हैं, जब से उसी दिन से मेरी फेसबुक, सॉरी मेरी व्हाट्सएप फेक चैट बनाई गई, उसको वायरल किया गया और एक समाज में इतना जहर घोल दिया। और आप सभी देख रहे होंगे, ये मौलाना राष्ट्रीय चैनल पर डेली आकर बैठ जाते हैं, और ये बोलते हैं कि हम पुलिस कंप्लेन करके आए हैं, हम ये करके आए हैं, हम वो कर रहे हैं उपदेश राणा के खिलाफ, उपदेश राणा ने गोलियां पहुंचाई दिल्ली दंगों में, उपदेश राणा ने आदमी पहुंचाई, उपदेश राणा ने ये किया वो किया। सब बोल रहे हैं, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है, इतनी रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो लोग पूरी मेजोरिटी बनाकर कंटिन्यू बोल रहे हैं। अब मुझे पीड़ा क्या है, मुझे दुख क्या है, मैं हारा नहीं हूं, ना मैंने हारना सीखा है, ना मैं हारूंगा। जब तक आखिरी सांस है उपदेश राणा के चेहरे पर शिकस्त नहीं दिखाई देगी। उपदेश राणा ने कभी जिंदगी में पराजय का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि मैं सच्चा हूं अपनी जगह, मैं अपने समाज को, अपने धर्म को जागृत करता हूं, ना कि गलत दिशा देता हूं, ना कि रोंग डायरेक्शन देता हूं। मैं हक की बात करता हूं, अधिकार की बात करता हूं, सत्यता की बात करता हूं, न्याय की बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं, दलित की बात करता हूं, मजदूर की बात करता हूं। लेकिन जब मेरा नाम कंटिन्यू लिया जा रहा है, इससे यह साबित नहीं हुआ कि मेरे पर कोई आरोप लग गए किसी के बोलने से। बात यह है कि जब इतनी सब कुछ चल रही है, तो लोग जो मुझे बोलते थे कि भैया आपने हमारा मामला नहीं उठाया, उनके फेसबुक अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं निकली, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं निकला कि नहीं भैया ये गलत है, आपका नाम लेना गलत है। और मैं सभी को यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरे के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैंने इसलिए लिखा है कि तब तक के लिए राम राम भाई, मेरा कहीं कोई किसी चीज में कोई मेरी संलिप्ति नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन वो लोग मेजोरिटी बनाकर इस चीज को दिखा रहे हैं, और हमारे लोग, हम लोग उस चीज को बोल भी नहीं पा रहे हैं कि भैया ये गलत है, उपदेश राणा का नाम क्यों खींच रहे हो, क्या उपदेश राणा पर कोई FIR है, क्या उपदेश राणा पर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ने, दिल्ली पुलिस ने की है, क्या कोई एविडेंस है। मुझे मॉब लिंचिंग की धमकियां मिल रही है, मॉब लिंचिंग की पता है आपको, मॉब लिंचिंग की धमकियां कंटिन्यू मिल रही है मुझे, जब से ये मौलाना चैनल पर आकर चिल्ला रहे हैं कि उपदेश राणा ने सारी ये व्यवस्था कराई, तो एक वर्ग विशेष में जहर घोला जा रहा है। और अगर ये बात मैं बोलूं तो मैं बुरा, और वो लोग बोले तो वो सही, उनके लिए सब कानून है। बिल्कुल जहर घोला जा रहा है, मुझे लोग व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर हर तरीके से मॉब लिंचिंग की थ्रेट्स कर रहे हैं, बड़े स्तर पर, पाकिस्तान, सऊदी, यहां के भी लोग, बहुत बड़े लोग, और मैं FIR करके थक चुका हूं। एक नहीं है, कितनी FIR की होंगी मैंने,
सरकार ने पुलिस सुरक्षा भी दी, दे रखी है कहीं के लिए, और आगे भी जो चल रहा है चलता वो तो चलता रहता है, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूं वो मेजोरिटी बनाकर कर रहे हैं। और मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, लेकिन जब उस बात की रहती है कोई भी कहीं भी कोई घटना घट जाए, कोई भी घट जाए घटना, तो ये आती है वो उपदेश राणा जी जो है इस पर आवाज उठाइए, बोलिए, मैं बोलता हूं, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हैं विश्वास रखते हैं, लेकिन ये मेरा भी अधिकार है आपके ऊपर, ये मेरा भी राइट है आपके ऊपर कि अगर मेरे बारे में कोई फर्जी बात कोई कर रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कहीं निकलना है बाहर, ये करना है वो करना है, नहीं, कम से कम जो सोशल साइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम हम जो कर रहे हैं उस पर हम उस चीज का प्रतिकार तो कर सकते हैं कि ये छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, इनके बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है, गलत हो रहा है इनके साथ। लेकिन जब लोग उस चीज को देखकर इग्नोर कर देते हैं जो सोशल अकाउंट चलाते हैं, उस पर ये भी नहीं लिख सकते कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं और ये गलत है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, उन लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिकता नीचे गिरेगी कि हाँ वाकई यार ये जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं और सही के साथ खड़े हैं। कुछ भाई कह रहे हैं उपदेश भैया आप आदेश दो क्या करना है, भाई आदेश की कोई बात नहीं है और मेरी आप लोगों से नाराजगी नहीं है, बहुत लोग हैं जो संगठन चलाते हैं या हर चीज पर प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पोस्ट एक ट्वीट एक बता देना कि आपको कोई दिखाई दिया हो ऐसे लोगों का, आपसे कोई नाराजगी नहीं, एक का दिखा देना कि जो लोग बड़े बड़े ये चीज करते हैं जो हमारे पास भी आते थे बोलते थे, लेकिन किसी ने एक चीज ये नहीं लिखी होगी बोली होगी कि भाई हम उपदेश राणा जी आपके साथ हैं और ये गलत हुआ है। भाई अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, मैं लड़ूंगा, आऊंगा लड़कर वापस, मैं तो आऊंगा वापस लड़कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये लाइव इसी पेज पर रहेगा और पता नहीं 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 2 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई एकता यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। मेरा फेसबुक लाइव इसलिए है कि एकता यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर देखिए कोई किसी पर आरोप बेवजह के टीवी चैनल पर बैठकर या फेक व्हाट्सएप चैट बनाकर या फेसबुक पर चला रहे हैं तो कम से कम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है हम उसी साइड से बिना कोई गलत शब्द लिखे, बिना कोई भड़काऊ बात लिखे, कम से कम इतना तो हम बोल सकते हैं कि भैया इनके साथ गलत हो रहा है, बेवजह की बात फैलाई जा रही है। और इतना मैं अधिकार समझता हूं, इतना मैं अधिकार समझता हूं तब मैं जाकर आप लोगों से बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, जब से दिल्ली राइट्स हुए कंटिन्यू ये राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठकर, कंटिन्यू न्यूज नेशन पर, आज तक पर और चैनल पर बैठकर कंटिन्यू ये मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं, और उसी का ये निष्कर्ष है कि जो लोग धमकियां मॉब लिंचिंग की और इधर उधर की देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने आप सभी को आया था, मैं बिल्कुल ये बताने आया था कि मेरा अधिकार मैं समझता हूं आपके ऊपर जैसे आप समझते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा आप सभी एक परिवार हैं और मैंने कभी जिंदगी में गलत किया नहीं है, गलत का साथ दिया नहीं है, और जब तक आखिरी सांस रहेगी ना गलत करूंगा ना गलत जो है गलत का साथ दूंगा। मैंने बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई जात देखे, बात देखे, एरिया देखे, सभी के लिए आवाज उठाई और ऐसे ही उठाई, ऐसे उठाता रहूंगा, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो मेरे ऊपर कंडीशन आकर रखी है, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को मेल कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, सब चीज को मैंने इसको बोला है, हर चीज के समक्ष रखी है, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी के कुछ लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उनकी वजह से ही मॉब लिंचिंग के लिए थ्रेड्स कंटिन्यू आ रही है। जो पूछ रहे हैं कि क्या मामला है उनको मैं बता दूं, भाई इसी पेज पर वीडियो पड़ा हुआ है, इसी पेज पर कल का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लेना, न्यूज नेशन का दीपक चौरसिया जी के शो का एक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना कि क्या बात है। और जो साथी लिख रहे हैं कि भैया हमारे हम आपके साथ हैं, भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अब लिखा जो बाद में लिखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा यहां बोलना बहुत जरूरी था, इसीलिए जरूरी था कि हम एक्टिव रहे, हम सब लोग देखे गलत को, गलत कह सके, जब हम गलत नहीं है तो उस बात को हम कह सके, बस मेरा यही कहना था। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, बहुत दीर्घायु हो आप सभी, और मैं ये लड़ाई जीतने के बाद जो लोग मुझ पर बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे थ्रेड्स दे रहे हैं, इन सभी से बाहर निकलूंगा, मैं यही कह रहा हूं कि मैं शिकस्त आने वाला नहीं हूं, मैं हारता नहीं हूं, हारना मैंने सीखा नहीं है, क्योंकि मैं गलत करता नहीं हूं, मैं दोबारा उपस्थित रहूंगा, कितना भी टाइम बीत जाए कोई बात नहीं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं मैंने कुछ गलत बोला है, आप मुझ पर अपना अधिकार समझते हैं, मैं आप पर अधिकार समझता हूं, इसलिए मैंने आपसे बोलना जरूरी था और यही बोलकर जा रहा हूं। इस सोशल साइट पर फिर मुलाकात होगी, पता नहीं कितने टाइम बाद होगी, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात छोड़िए, मुझे छोड़ दीजिए, लीव मी,
अगर आपका पड़ोसी, या पड़ोसी छोड़ दीजिए, कोई भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में किसी को गलत फंसाया जाता है, किसी को गलत बोला जाता है, तो उसके खिलाफ कम से कम लीगल शब्दों में कम से कम एक सपोर्ट के लिए लिखना बोलना ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है। बस मैं यही कहने आया था, और मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए ये अपील करने आया था। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुभरात्रि, मिलेंगे कभी ना कभी। वंदे मातरम।